क्या आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना पैसा रातों रात अच्छा खासा प्रॉफिट करना चाहते हैं या अपने पैसे को जल्दी डबल करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्त हो, यार हो, फैमिली हो, अपना रिश्तेदार हो, जो कोई भी हो, आपको आपसे जो कोई भी टकराए आप सभी से शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो में आपको एक बहुत ही बड़ा वैल्यू और बहुत ही बड़ा राज मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भैया आप देर नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर आपको आपका पैसा जल्दी दुगना करना है या एक अच्छी खासी रकम आपको अगर चाहिए तो मेरे पास में आपके लिए तीन स्कीम है। पहला स्कीम है मंथली स्कीम। मंथली स्कीम में क्या करता हूँ मैं कि आप मुझे एक्स वाई जेड अमाउंट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ, अगर आपने मुझे 1,00,000 रुपया दिया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आपको हर महीने 2% देते जाऊँगा। अगर आपने मुझे महीने की 10 तारीख को दिया है तो भैया 11 तारीख को आप आके मेरे से 1,00,000 के ऊपर का 2% मतलब 2,000 रुपया हो गए, आप लेके जाइए। अगर आप बोलेंगे कैश चाहिए तो आपको कैश में दे दिया जाएगा। अगर आप बोलेंगे आपको बैंक ट्रांसफर करना है तो बैंक ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हर महीने अपने जो डेट पे इन्वेस्ट किया है उसके एक दिन बाद, मतलब अगर आपने 10 तारीख को दिया है मुझे पैसा तो अगले महीने के 11 तारीख को आइए, 2% यानी कि 2,000 होता है वो आप मेरे से लेके जाइए, ठीक है। तो साल भर में अगर आपने 1,00,000 दिया है तो साल भर में मैं आपको 24,000 रुपया दे दूंगा, 2,000 रुपये के हिसाब से या 2% के हिसाब से, तो होता है आपका 24% साल का। इसके बाद में अगर आपको पैसा अपना पूरा ले लेना है, जो आपने मूलधन दिया था वो आपको वापस लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हो इन्वेस्टमेंट अब मेरे पास तो मैं आपको दूंगा 3%। जी हाँ, 3%। अगले साल से आपको मैं हर महीने 3% दूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि हर महीने आप 3,000 लेके जाएंगे 1,00,000 के ऊपर, और अंत में साल के अंत में आपको जो टोटल करेंगे तो आपको 36,000 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 1,00,000 रुपया आपको पहले साल में 24,000 रुपया दिया यानी कि 24% रिटर्न दिया, और दूसरे साल में 36,000 दिया यानी कि 36% रिटर्न दिया। तो दोनों को मिलाएंगे तो दो साल में आपका पैसा 1,00,000 जो था 1,60,000 हो गया, यानी कि 60% रिटर्न ऐसा कोई भी नहीं देगा आपको। हाँ, और अगर आप तीसरे साल भी कंटिन्यू करते हैं तो 4% मैं दूंगा आपको हर महीना, मतलब साल का हो जाएगा 48,000 रुपये हो जाता है, जो होता है 48%। तो आप खुद अंदाजा लगाइए आप कितना पैसा बना सकते हैं। अगर आपको मंथली नहीं चाहिए तो अपने पास में दूसरा स्कीम भी अवेलेबल है। दूसरा स्कीम है 6 महीने वाला स्कीम, 6 मंथली स्कीम बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि आप मुझे एक बार जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट देते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसमें भी पकड़ता हूँ 1,00,000 रुपया, तो हर 6 महीने पे, जैसे आपने अगर जनवरी में मैंने मुझे दिया है 1 तारीख को, तो जुलाई के 1 तारीख को आप आके मेरे से 15,000 रुपया लेके जाइए। 1,00,000 पे 15,000 मतलब कि 15% होता है 6 महीने का। साल भर में मैं आपको 30% दे दूंगा, और अगर आप पैसा कंटिन्यू करते हो साल, 2 साल 3 साल जितने भी साल के लिए, तो आपको हर 6 महीने पे मैं आपको 15% दे दूंगा। आप बोलते हो भैया मुझे महीने का भी नहीं चाहिए, मुझे 6 महीने पे भी नहीं चाहिए, साल भर में मुझे चाहिए, कितना दोगे वो बताओ। तो भैया आप 1 जनवरी को अगर मुझे पैसा दे दिए हो 1,00,000 रुपया, तो अगले साल 1 जनवरी को आप आइए, आपको मैं 50,000 रुपया दे दूंगा, यानी कि 50% प्रॉफिट दे दूंगा मैं आपको। 1,00,000 रुपया आइए और 50,000 रुपया और लेके जाइए, मतलब 1,00,000 का हो गया 1,50,000 रुपया। तो ऐसा कोई भी नहीं आपको करके देगा, बट मैं करके दे रहा हूं। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, यही झांसे में लोग फंस जाते हैं भैया, यही झांसे में लोग फंस के अपना पैसा तो देते ही हैं लेकिन साथ साथ में दूसरों का भी पैसा दे देते हैं, और यही नहीं अपना तो देते हैं दूसरे लोगों का भी दिलाते हैं। अगर मौका मिला तो घर का गहना वहना गिरवी रख के या बेच बाज के भी देते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है कि भैया कोई भी आपको फिक्स अमाउंट दे देगा। आजकल बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है ये सब, ठीक है, और ज़्यादातर क्या होता है कि ये गाँव देश में, मतलब Tier 2 cities में ज़्यादा चलता है ये सब स्कैम, तो इनसे आपको सावधान रहना है। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा कि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका YouTube हो गया, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट क्या है कि उसमें भी आपको दिखाएंगे कि मैंने ये कॉल दिया है, मेरा ये बास्केट आप खरीदिए, आपको इतना प्रॉफिट होगा या इतना ये होगा, खुद का स्टेटमेंट भी शेयर कर देंगे, भैया मैंने देखिए इतना एक्सपायर अमाउंट आ रहा था, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा
सालाना इनकम है ऐसा वैसा, और खुद अच्छे से प्राइवेट जेट में होटल फाइव स्टार होटल में फोटो खींचा के अपलोड करते रहेंगे। बट ये पैसा कहाँ से आता है, क्या करते हैं, आजकल तो सब फोटोशॉप कर सकते हो आप भी कहीं भी खड़े होके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा के कहीं का भी फोटो कहीं पर भी लगा दो, ताजमहल पर खड़े होकर मैं फोटो खींच के डाल दूंगा, भैया देखो मैं ताजमहल खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सीधे तरीके से अपने नाम पे अकाउंट ओपन कीजिए, किसी के पास भी ओपन कीजिए, सभी द्वारा रेगुलेटेड जो स्कीम्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, बट ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि ऐसे लोग के झांसे में अगर आप आए तो आपकी हालत ये भाई साहब के जैसी हो जाएगी। देखें आपने इनकी हालत, अगर ऐसा बनना है तो कीजिए, अगर ऐसा नहीं बनना है तो आप भी एक समझदार इन्वेस्टर बनिए, एक समझदार दिमाग से आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपका खुद का पैसा है, आपने खुद मेहनत करके इसे कमाया है, और ऐसे ही किसी भी फालतू लोगों के हाथ में दे के अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये सब स्कीम जो है ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे लोग क्या करते हैं कि शुरुआत में आपको पैसा भी देते हैं, साल दो साल देंगे, लेकिन क्या होता है उनके मन में, उनके दिमाग में क्या टारगेट है वो किसी को भी नहीं मालूम है, उनके घर वालों को भी नहीं मालूम होता है कि भैया अपना पति क्या कर रहा है या एक्स वाई जेड अमाउंट कोई आदमी क्या कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए मेरे दिमाग में है 10 करोड़ रुपया, मुझे 10 करोड़ का गबन करना या 10 करोड़ इस एरिया से उठाना है। ठीक है, तो वो 10 करोड़ जब तक मेरे पास पूरा नहीं होगा तब तक मैं आपको स्कीम पे स्कीम देते जाऊंगा और आपको पैसा भी देते जाऊंगा। आपने 1 लाख रुपया दिया, भैया 1.5 लाख लेके जाओ, 2 लाख दिया, 3 लाख लेके जाओ, ऐसा सब करते रहूंगा। जिस दिन मेरा टारगेट, मेरे दिमाग में जो टारगेट सेट है कि भैया इतना अमाउंट मुझे चाहिए, उस दिन मैं गायब हो जाऊंगा, रातों रात गायब हो जाऊंगा, फोन नहीं उठेगा, ऑफिस ऑफिस घर बार सब कुछ खाली हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि भैया अपना परिवार छोड़ देते हैं और खुद ही भाग जाते हैं। ठीक है, फिर बाद में देखेंगे ना धीरे धीरे उनके परिवार भी गायब हो जाएंगे। बट ऐसे सब टाइम पे क्या होता है कि कोई आपका मदद नहीं करता है, पुलिस कंप्लेन भी नहीं लेगी क्योंकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है कि आपने उनको पैसा दिया था या उन्होंने आपको पैसा लौटाया है। क्योंकि आपको भी अच्छा लगता है ना, भैया मैंने कैश में ले लेता हूँ पैसा, क्या कौन मगजमारी करेगा, कौन टैक्स भरेगा, ये सब कुछ गलत है। ठीक है, आपने सीधे साधा काम कीजिए, सीधे साधा 2 रोटी कम खाइए, लेकिन चैन की नींद जो ऐसा काम कीजिए भैया आपको रात को नींद आना चाहिए। ठीक है, आपका दिमाग फ्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया मैंने दे दिया और दे तो दिया दूसरे लोगों का भी दिला दिया और उसका तो गया, मेरा तो गया ही भैया, दूसरे लोगों का भी गया, तो दूसरे लोग भी आपसे आके बोलेंगे भैया मेरा पैसा दो क्योंकि मैंने आपके बोलने पे डाला था, तो आप अपना ही पैसा गंवा दिए हो तो दूसरे को क्या दोगे। तो हमेशा आप जानकार बनिए, जब भी आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बराबर पढ़िए, आप खुद का खाता खोलिए, किसी को कैश दीजिए नहीं, कुछ नहीं दीजिए, ऐसे लोग बहुत आपको मिलेंगे। ठीक है, जब भी आप कहीं अकाउंट ओपन करोगे तो आपको बहुत फ़ोन आएंगे, भैया हम फलाना बोल रहे हैं, इंदौर से बोल रहे हैं, एमपी से बोल रहे हैं, कल्याण से, कहीं से भी बोल रहे हैं, हमारी रिसर्च की कंपनी है, आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया, हम श्योर शॉट आपको कॉल देंगे। ठीक है, जिससे आपको हर महीना हर रोज प्रॉफिट होगा। सब बकवास है, कुछ गारंटी नहीं है भैया, मेरा खुद का गारंटी, अपनी लाइफ का ही गारंटी नहीं है, भगवान कब हमको ऊपर बुला लेगा, ये तो शेयर मार्केट है भाई साहब। ठीक है, तो जानकार बनिए, जानकार कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में, कहते हैं सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, यही एक है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स दे रहा हूँ, मल्टी बैगर टिप दे देता हूँ, बट वो मल्टी बैगर टिप जो देते हैं ना उसके बाद में ना मल्टीपल बैगर बन जाते हैं, मतलब बहुत ही सारे भिखारी बन जाते हैं मार्केट में, जिनका सब कुछ लूट जाता है और वो रस्ते पर आ जाते हैं। तो ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा कमाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए, मार्केट में जरूर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि पूंजी आपकी वहीं से बनेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन को बीट करके अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मार्केट से ही मिलेगा और लिक्विडिटी भी मार्केट से ही मिलेगा, लेकिन आप दिमाग लगाइए, अपना गणित कीजिए और सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। ये सब फालतू के झांसे में, फालतू के स्कीम में बिल्कुल मत आइए। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा जो वीडियो मैंने बनाया है जानकारी के लिए आपके लिए, ये आपको पसंद आया होगा, पसंद आए ना आए भैया, लेकिन ये लोगों को शेयर कीजिए, गांव में, देश में, अपने घर में, पड़ोसी में, सबके पास में शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे झांसे बहुत चल रहे हैं आजकल और ऐसे झांसों में फंसोगे कुछ नहीं पाओगे। शुरुआत में मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा, अंत में सब कुछ चला जाएगा। मिलेंगे अच्छे किसी वीडियो में, ठीक है, जानकारी वाले वीडियो में।
तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद। मेरे बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा।